डिजाइन वाइज दोनों कारों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट बहुत सारे एक्सटीरियर फीचर्स आपको इसमें सेम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एंड पावर्स भी दो जो इंजन हैं वो ऑलमोस्ट सेम डिलीवर करते हैं। बहुत माइनर डिफरेंसेस है, रियल लाइफ में देखोगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। हर कोई बंदा 15-15 साल कार नहीं चलाता, कोई 5-6 साल में कार भी चेंज करते हैं, तो उस केस में रीसेल वैल्यू भी एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। हेलो गाइज, वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स, एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सबको 22 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन हमारे रामलला जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो सबसे पहले वीडियो में जोर से बोलेंगे जय श्री राम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Honda Creta एंड Kia Seltos के बारे में। तो जब से Honda Creta का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हुआ है, तब से कहीं ना कहीं इसने अपनी ही सिस्टर्स कंपनी के प्रोडक्ट Kia Seltos के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन क्रिएट कर दिया, एंड लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों कारों के बीच में कि किस कार को ऑप्ट किया जाए। तो अगर आप लोग भी इसी कंफ्यूजन में हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना, बिकॉज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके बेसिस पे आप जज कर पाओ कि किस कार को लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं दोनों कारों के एक्सटीरियर लुक की। डिजाइन वाइज दोनों कारों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट बहुत सारे एक्सटीरियर फीचर्स आपको इसमें सेम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि दोनों ही कारों में आपको LED DRL, LED हेडलैम्प, पैनोरामिक सनरूफ एंड कनेक्टिंग टेल लाइट जैसे कॉमन फीचर देखने को मिलते हैं। एंड उसके अलावा एक्सटीरियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों कारों में आपको अलग भी देखने को मिलेगी, जैसे कि अगर आप Honda के Creta के अपर वेरिएंट में जाते हो तो वहां पे भी आपको सिर्फ 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, एंड वहीं अगर आप Seltos का अपर वेरिएंट पिक करते हो तो उसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। Creta में आपको फॉग लैम्प मिसिंग मिलेगा, जैसे कि अब आजकल मोस्टली कार्स में हो रहा है कि हेडलैम्प की प्लेसमेंट थोड़ा नीचे की गई है एंड फॉग लैम्प का फीचर हटा दिया गया है, बट वहीं Seltos में आपको LED फॉग लैम्प भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक्सटीरियर चेंजेस हैं जो दोनों कारों के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। बात करें इंटीरियर की, तो दोनों कारों में जो इंटीरियर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, बिकॉज दोनों ही कारों में अब आपको ड्यूल स्क्रीन डैशबोर्ड लेआउट देखने को मिलता है, एंड दोनों ही कार में आपको 10.2 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड 10 इंच का डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है। एंड बात करूं दोनों ही कारों में आपको 2-zone क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर इंटीरियर की बात करूं ना, तो इंटीरियर दोनों कारों का ही बहुत ही क्लासी है, बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको इन दोनों के इंटीरियर में देखने को मिलेंगे। एक अलग चीज जो आपको एक्स लाइन में मिल जाती है Seltos के, वो उसमें आपको एक हेडसअप डिस्प्ले का फीचर्स अलग से मिल जाता है जो कि Creta में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा फीचर्स देखूं इंटीरियर में दोनों कारों में कॉमन फीचर्स देखने को आपको मिलते हैं, एंड दोनों ही कारों का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा क्लासी लगता है। मेरा पर्सनल फेवरेट जो रहा है वो मुझे Creta का ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट अगर बोला जाए तो Seltos का भी कहीं से भी आपको कम नहीं लगेगा इंटीरियर, बहुत अच्छा इंटीरियर है Seltos का भी। एंड इंटीरियर एक ऐसी चीज है ना जो हो सकता है एक पर्सनल चॉइस भी हो सकता है किसी लोगों को Creta का अच्छा लग रहा हो, किसी को Seltos का लग रहा होगा, बट फीचर्स जो इंटीरियर में आपको मिल रहे हैं वो कॉमन ही है ऑलमोस्ट। एक हेडसअप डिस्प्ले का फीचर्स है जो आपको X-Line में एक्स्ट्रा मिलता है, अदरवाइज फीचर्स जितने भी आपको अंदर मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन ही है। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाले इंजन की। जैसे आपको पता ही है सिस्टर्स कंपनी है, ऑलमोस्ट सेम इंजन आपको दोनों कारों में मिलता है, तो वहां पे भी फर्क करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज सेम इंजन आते हैं, 1.5 लीटर टर्बो इंजन, 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन, एंड पावर्स भी दो जो इंजन हैं वो ऑलमोस्ट सेम डिलीवर करते हैं। तो इंजन वाइज भी अगर आप चूज करना चाहोगे कि किस कार की तरफ जाए तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज दोनों ही कारों में आपको सेम इंजन ऑफर किए जाते हैं। माइलेज की बात करूं तो माइलेज भी दोनों ही कार्स की ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, माइलेज भी दोनों कारों की सेम आती है। एंड अगर बात करूं डायमेंशन की, तो डायमेंशन वाइज भी दोनों कार्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट हाँ थोड़ा अगर बात की जाए ऑन पेपर Seltos थोड़ा यहाँ पे ज्यादा डायमेंशन के साथ आती है, बहुत माइनर डिफरेंसेस है, रियल लाइफ में देखोगे तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, बट हाँ अगर ऑन पेपर बात करोगे तो जो Seltos के जो डायमेंशन है वो थोड़े ज्यादा है Creta से, बट रियल लाइफ में आई डोंट थिंक सो किसी को भी पता चलने वाला है कि Seltos ज्यादा बड़ी लग रही है, दोनों कार आपको सिमिलर ही लगेगी, बट हाँ जो चीज है ऑन पेपर वो आपको Seltos के डायमेंशन थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, बट मुझे नहीं लगता कि ये क्राइटेरिया होगा दोनों कारों में जज करने का कि किस कार को लिया जाए। तो गाइस, अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट के जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपको किस कार को ऑप्ट करना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो और आपको चाहिए एक डीजल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो वो आपको सिर्फ Creta में मिलेगा। सिर्फ Creta ही डीजल में मैनुअल ट्रांसमिशन आपको दे रहा है, बाकी आपको Seltos में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है।
एंड तो अगर आपको चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल इंजन ऑप्शन के साथ, तो उस केस में आपको क्रेटा की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है, जिन लोगों को डीजल इंजन चाहिए मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, वो क्रेटा की तरफ जाएं। तो गाइस अगर ऑनेस्टली आप मेरा पॉइंट पूछोगे तो मेरा पॉइंट हमेशा क्रेटा की तरफ जाएगा। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे किस कार को सिलेक्ट किया जाए, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपको क्रेटा को सिलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज क्रेटा ना ऑलरेडी एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है होंडाई का। क्रेटा इस सेगमेंट को ऑलरेडी रूल कर रहा है काफी टाइम से, एंड मेरे अकॉर्डिंग क्रेटा एक बेस्ट चॉइस हो सकती है कंपेयर टू सेल्टॉस। सेल्टॉस लेने में कोई इशू नहीं है, सेल्टॉस भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट कहीं ना कहीं जो एक बात आती है ना, अगर आप एक कार ले रहे हो उसकी, अगर आप कंपेयर करो रीसेल वैल्यू से भी, तो रीसेल वैल्यू आपको क्रेटा की ज्यादा मिलेगी कंपेयर टू सेल्टॉस। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा, बिकॉज हर कोई बंदा 15-15 साल कार नहीं चलाता, कोई 5-6 साल में कार भी चेंज करते हैं, तो उस केस में रीसेल वैल्यू भी एक अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ये जो चीजें है ना, आपको क्रेटा अच्छी रीसेल वैल्यू देके जाएगा, क्रेटा में आपको सर्विस एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। होंडाई को इतने टाइम से होंडा इंडियन मार्केट में है, तो एक कहीं ना कहीं एक सर्विस एक्सपीरियंस आपको होंडा अच्छा देती है। किया का सर्विस एक्सपीरियंस भी बेकार नहीं है गाइस, बट कहीं ना कहीं एज जो जा रहा है वो होंडाई की तरफ जा रहा है। सो गाइस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर आप इन दोनों कारों के बीच में कंफ्यूज होना, तो आपको क्रेटा की तरफ जाना चाहिए। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन अपनी राय बता सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।